मेरे वालों सारिया प्यार भरी सत श्री अकाल जी। पेंडू जासीन आस्ट्रेलिया में थोड़ा स्वागत है। मैं उम्मीद है तुम सब ठीक ठाक होवोगे, असं भी ठीक ठाक हाँ। अज मैं बनाने लगी हाँ मटर ते गाजरां दी सब्जी। साड़ी गार्डन दे विच मटर भी हुए हैं ते गाजरां भी हुई हैं। जिहड़ियां मेरी गार्डन च चीज़ां हुंदियां ये ऑरगैनिक हुंदियां हैं, मैं कदे इन्हां नूं कोई कैमिकल नहीं पाउंदी। तुसीं भी ट्राई करिया करो जे तुहाडे टाइम हैगा अपनी गार्डन दे विच थोड़ियां बहुतियां सब्जियां लाउण दी। चलो जी आओ फिर बाहरों आपां गाजरां लियाउंदे हां ते मटर लियाउंदे हां, उहनां दी सब्जी बनाउंदे हां। मैं देसी स्टाइल नाल बनाऊंगी, पंजाबी स्टाइल नाल, जिदा असीं आम घरां दे विच अगे बनाउंदे हुंदे सी। जे तुसीं अजे तक मेरे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता सबसक्राइब जरूर करो। जे तुहानूं मेरियां वीडियो सोहणियां लगदियां लाइक ते शेयर जरूर करिया करो। अपने फ्रेंडां नूं मेरे चैनल बारे दस्या करो, मैनूं कमेंट करके दस्या करो। इदां मेरी हौसला अफजाई हुंदी आ, मैनूं पता लगदा आ तुसीं मेरियां वीडियो किदां लाइक करदे आ, है ना। चलो जी आओ फिर आपां बाहर गार्डन दे विच चलदे आ ते उत्थों गाजरां ते मटर लैके आईए। साडी गार्डन दे विच गाजरां होईआं आ, अज आपां इन्हां दी सब्जी बनावांगे। सो हुण असीं इन्हां नूं पट्टण लगे हाँ, फिर मैं तुहानूं बाद च दिखाउंदी आ भई सब्जी किदां बनाउणी आ। गाजरां नूं असीं पट्ट लिया आ ते इधर पीज़ आ मटर। सो इन्ने कु मटर आ, ये सारे ऑरगैनिक आ चीज़ां साडी गार्डन दे विच। असीं बिल्कुल इन्हां नूं खाद जां कोई स्प्रे नहीं मारी दी क्योंकि ये सेहत लई बहुत चंगे आ। जिन्ने कु भी हो जाण असीं बना लई दियां चीज़ां तो थोड़ी बीज लई दी आ। सो अज मैं गाजरां ते मटरां दी सब्जी बनाऊंगी। हुण मैं इन्हां नूं धो लिया आ, मैं इन्हां नूं छिल लूँगी फिर कट के फिर एक बार फिर धो लूँगी। तो इदा ही मटरों मैं बिचों बी कढ लूँगी मटर बिचों ये फिर धो के फिर इन्हों की सब्जी बनाते हैं। गाजर की सब्जी बनाने लिए सब तो पहला मैं एक पैन ले लिया है, उन्होंने गैस पर रख दिता, गैस मैं ऑन कर दिता है। फ्लेम मैं अजे हीट मीडियम पर रखी हो, दो बड़े चमचे मैं बिच तेल दे पा दूँगी। तुसी जिहड़ा मर्जी तेल यूज़ कर सकते हैं, जे तुसी घिओ च बनाउणा चाहुंदे घिओ च भी बना सकते हैं। मैं ओलिव ऑयल यूज़ किया है, तुसी जिहड़ा मर्जी कर सकते हैं। जदों तेल मीडियम जिहा गर्म हो जाए आपां उहदे विच एक टीस्पून जीरे का पा देना। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जदों आपां जीरा पाउंदे आ। जीरे नूं अद्धा क मिंट ही भुनना थोड़ा जिहा ही। आ दो मैं गंढे कट्टे आ, ये मैं जिदा डाइस किए आ, लंबे नहीं कट्टे है। हुण मैं ये विच पा दूंगी, आ मेरे कोल फ्रैश गालक आ लसन, साडी गार्डन च होया सी बिचे मैं पत्ते पाते जिन भूका कहिंदे आ, नाले एक गट्ठा सीगा जिहड़ा लसन दा वह मैं विच पाता आ कट के। ये भी मैं प्याजां दे नाले विच पा दूंगी। जे थोड़े को फ्रैश नहीं हैगा गालक फिर तुसी एक टीस्पून गालक दा पा दो जां पेस्ट जां उदा फ्रैश कट के। एक टीस्पून मेरे कोल हैगा या अदरक दा, जिहनूं जिंजर भी कहिंदे आ। ये मैं फ्रीज़ कीता आ सी फ्रैश कट के, मैं वह पा रही। जे थोड़े को फ्रैश हैगा जां पेस्ट हैगी आ एक टीस्पून पा दो। ते दो हरियां मिर्चां आ मेरे कोल ग्रीन चिली, इवें विच कट के पा दूंगी। जे तुसी ज़्यादा लाइक करदे आ कौड़ी तुसी ज़्यादा पा सकते हैं, असी बहुती जिदा स्पाइसी नहीं खाते हैं इस करके मैं दो पाइया। तुसी विच रेड चिली भी क्रश चिली भी पा सकते हैं जे ज़्यादा कौड़ी लाइक करते हैं। जिहड़ा मिर्च ते लून आ वह तुसी अपने हिसाब नाल पा सकते हैं। हीट तुसीं अपने चिल्ले दे मुताबिक कर सकते हैं, ना ही बहुती हाई करनी है ना ही बहुती स्लो करनी है। इधर मैं गाजरां कट के धो लईआं आ ते इधर रख लईआं आ ते फिर पाउंदियां ये भी विच, ये अद्धा कु किलो होणगियां। तड़के दा ध्यान रखना थले ना लगे। आपां गंढियां नूं ना प्याज नूं थोड़ा जिहा ब्राउन करना आ, आपां नूं तड़का बने दा पता लग जांदा। प्याजा ने तेल छड़ देना है ते नाले थोड़े जे ब्राउन कर लेने। आप देखो प्याजा ने हुण
तेल छड़ दिता है, थोड़े थोड़े ब्राउन भी हो गए हैं। हुण आपां इहदे विच एक चमचा हल्दी का पा देना। प्याज भुजदिआं नूं हुण 3 मिंट हो गए आ। हल्दी मैं इन्नी क पाऊंगी, 1 छोटा चमचा, क्योंकि हल्दी नूं ना तड़के दे विच भुनना जरूरी हुंदा, नहीं तां सब्जी दे विचों कच्ची जी हल्दी का स्वाद आउंदा रहिंदा आ। थोड़ा जिहा जरूर भुनना चाहीदा। हुण प्याज भुजदिआं नूं 4 मिंट हो गए आ। मैं विच आलू पा दूंगी। इहदे आलू मैं इदां भिगे रखे सी तां कि रंग ना बदले इहनां दा, नहीं तो इन्हों का रंग बदल जाता है, ब्राउन जे हो जाते हैं। हुण मैं पानी चो कढ के बिच पा दूंगी। ये भी मैं इदा इदा के पीस किए आ, बहुत बड़े नहीं करने है। आलूआं नूं पा के इन्हां नूं मैं मिक्स कर दिता। नाल ही इहदे मैं गाजरां पा दूंगी। गाजरां नूं मैं छिल के कट के धो लिया सी चंगी तरह, पहला भी छिल के भी धो लिया सी, फिर कट के धो लिया। गाजरां दे भी मैं इदां दे पीस किए आ। हुण इहनां नूं आपां मिक्स कर देवांगे। हीट मैं मीडियम ते कीती है, वो अजे भी जिहड़े मटर आ उह भी मैं पानी च भिं के रखे हो आ, कढ के विचों फलियां चों। हुण इह भी नाले मैं पा देने आ। जे तुहाडे कोल फ्रोजन मटर आ उहनां नूं आपां अजे नहीं पाउणा हैगा, जे फ्रोजन आ उन्हां नूं जदों अद्धी सब्जी बन जाती है ना मिडल जाए च उदों आपां पाउणा। ये मेरे को फ्रैश आ, ये हार्ड होंगे आ, इस करके नाले पा देने हैं, क्योंकि जो उबले हो जा फ्रोजन मटर होंगे आ ना वो बहुता चिर नहीं लेंदे कुक होने लई, जेडे फ्रैश होंगे उन्होंने थोड़ा टाइम लगता। सारे कुछ नूं मिक्स करके एक मैं आ छोटा चमचा लून का पाया। लून आपां फिर देख के पा देवांगे, क्योंकि पहला लून ज़्यादा पाउण दी लोड़ नहीं हैगी, कई बार ज़्यादा हो जाता है, सब्जी बन के थोड़ी हो जाती है। लून नूं आपां मिक्स कर देवांगे। हीट अजे भी मीडियम ते आ। मैं इन्हां नूं इदां मिक्स करके हुण मैं ढक्कन उत्ते दे दूंगी। ढक्कन मैं उत्ते देता तां कि स्टीम दे नाल गाजरां ते आलू सॉफ्ट हो जाण, ते हीट मैं मीडियम ते रखी हो आ, हाई नहीं करनी। आपां विच विच हिलाउंदे रहांगे। हुण 4 मिंट हो गए आ। मैं एक बारी फिर इहनूं हिला दूंगी। देखो इहनी पानी छड्ड दित्ता आ। कई बारी गाजरां हन बहियां होण, आपां शॉपा तों लियाउने आ, चरदियां पईआं होण, फिर पानी नहीं इन्ना छड्डदियां, फिर थोड़ा जिहा विच तुसीं जे थल्ले लगदी होवे ना पानी पा सकदे, विच 2 चमचे पानी दे पा दो, क्योंकि जे गाजरां जे हार्ड होण हन सॉफ्ट होण बड़ियां ना होण ते थल्ले लगदियां होण, 2 चमचे विच पानी दे पा दो। मैं एक बारी फिर हिला लूँगी। मैं बिच हिला भी हटी हाँ। हुण जिदा 12-13 मिंट हो गए आ गाजरां बिच पाइयां नूं, आलू सॉफ्ट हो गए आ। मैं गाजरां नूं भी देख लूँगी, गाजरां सॉफ्ट हो गई हैं, मैं खा के देख ली है। हुण सब्जी तैयार होने वाली है, 2 मिंट लगूंगे होर। मैं मसाला पा दूँगी हुण इहदे विच, गर्म मसाला इन्ना क पाऊँगी, ते थोड़ी जी सुकी मेथी, कसूरी मेथी जिहनूं कहिंदे आ ना, इदां हत्थां ते भोर के पा दूँ। इन्ना टेस्ट बहुत सोहणा आउंदा आ। हुण मैं इहनूं ढकूंगी नहीं, उत्ते ढक्कण नहीं देना। मसाले दे नाल ही मैं बिच पा दूँगी मेथी आ मेरे कोल है ना, फ्रैश मेथी मैं बाहरों लियांदी आ, ये भी बिच पा दूँगी। जे तुहाडे कोल नहीं हैगी तुसीं ना पाओ, ये ऑप्शनल आ। ते नाल ही मैं धनिया पा दूँगी, फ्रैश धनिया थोड़ा जिहा मैं धनिया रख लिया या फ्रैश गार्निश कर लिया उत्तों, बाकी मैं बिच पाता। सारे कुछ नूं मिक्स करता, सब्जी बनी हो हुण, बस आपां इहनूं प्लेट च कढ लैणा। अजे मैं हीट बंद नहीं कीती क्योंकि धनिया पाया विच, मैं इहनूं धनिया पा के बस मिंट क दूंगी, धनिया तां मेथी पा के। हुण आपां प्लेट च कढ लवांगे। गाजरां ते मटरां दी सब्जी बन के तैयार हो गई आ, बहुत सोहनी बनी आ। मैं इहदा जिहदा लूण भी देख लिया, बिल्कुल ठीक आ। हुण आपां इहनूं
ਧਨੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਗੈਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹੋਣ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਧਨੀਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਜਰਾਂ ਅਤੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।